नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड डिक्टेशंस इंग्लिश पे। दोस्तों, थंबनेल और टाइटल देख के आपको समझ आ गया होगा कि वीडियो किस बारे में होने वाली है, तो आपका टाइम खराब ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बिहार सिविल कोर्ट में बहुत ही जल्दी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, जिसका प्रूफ अभी आप अपने स्क्रीन पे इस नोटिस में देख रहे हैं। तो इसके बारे में आपको सारा डिटेल सब कुछ बताया जाएगा यहाँ पे, कैसे फॉर्म को भरना है, कितने सीट्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, आपको सारा डिटेल यहाँ पे मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये नोटिस आया है, एक नोटिस। तो नोटिस में आप देखोगे, पहले तो ऊपर में पोस्ट लिखा हुआ है, कौन सा पोस्ट है, ग्रुप सी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन लाइट ऑफ न्यूली रूल्स 2022, है ना। तो 2022 के लिए वैकेंसी आने वाला है इन द सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, ऐसा लिखा है इसमें। आगे चल के नोटिस में देखेंगे तो यहाँ पे वर्ड है एक्यूर्ड वैकेंसीज ऑफ क्लर्क, स्टेनोग्राफर्स, कोर्ट रीडर एंड प्योन। तो ये चार पोस्ट है, इस पे आने वाली है वैकेंसी, और उसके बारे में डिटेल में आपको बताते हैं सब चीज़। अभी सारा चीज़ डिटेल में आपको बताएंगे। तो यहाँ देखिए, इस पे आप देखें पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स ऑफ बिहार सिविल कोर्ट वैकेंसी 2022। यहाँ पे सारे पोस्ट का नाम है, जैसे क्लर्क है, क्लर्क के पोस्ट के लिए टोटल सीट्स है 4,434, और इसके लिए आप एलिजिबल हो या नहीं तो एलिजिबिलिटी में देखना है ग्रेजुएशन और कंप्यूटर नॉलेज आपको होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए या नहीं अभी क्लियर तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ कंप्यूटर नॉलेज आपको होना चाहिए। स्टेनोग्राफर्स के लिए देखिए 1,562 सीट है, और इसमें भी एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन होना चाहिए आपको। ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, कुछ भी, और इसमें भी आपको कंप्यूटर टाइपिंग और शॉर्टहैंड का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। 1,562 सीट है स्टेनोग्राफर्स के लिए। तो और मैं आपको बता देता हूँ थोड़े, जो भी मैटर होगा इसमें, जो भी डिक्टेशन होगा, तो बाकी एसएससी वाला अगर आप लोग दिए हैं तो आपको पता होगा, इससे एसएससी वाले से इजी रहता है इसका, इजी ही रहेगा इसका, ठीक है। तो अब टाइम आ चुका है कि जो लोग स्टेनोग्राफर की तैयारी करते हैं, शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं, तो अभी से आप तैयारी में लग जाइए, आपका बहुत आराम से हो जाएगा। आपको तैयारी के लिए कहीं और जाना नहीं है, आप इसी चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, आप इस चैनल में जाके देखिए, इसमें डेली डिक्टेशन शॉर्ट हैंड का, खास करके लीगल मैटर कोर्ट से रिलेटेड डेली डिक्टेशन होता है। तो मैं चाहूँगा कि आप चैनल को चेक करो, एक बार देखो, आपको डिक्टेशंस अच्छे लगते हैं, आप डिक्टेशंस लिखो डेली, एक दो डिक्टेशन आप प्रैक्टिस करो, और कुछ आपको नहीं करना है, डेली उसको प्रैक्टिस करना है बस। डेली आपको यहाँ से डिक्टेशन लिखना है, आपको शॉर्ट्स देखने हैं, उसमें जो फ्रेज आपको लगे कि आपको इसको याद करना चाहिए, आपको इसको प्रैक्टिस करना चाहिए, आप उसको प्रैक्टिस करो। कोर्ट रीडर के लिए है, उसमें 1,132 सीट्स है टोटल, और इसमें एलिजिबिलिटी के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए और कंप्यूटर टाइपिंग आना चाहिए, इंग्लिश हिंदी दोनों, इंग्लिश 40 वर्ड पर मिनट और हिंदी 30 वर्ड पर मिनट। और उसके बाद जो वैकेंसी है पियोन के लिए है, 1,673 सीट्स इसके लिए, और इसके लिए एलिजिबिलिटी आपको 10th पास होना चाहिए। तो यही टोटल 8,801 वैकेंसी है। फॉर्म कैसे भरना है आपको उसके बारे में भी, जब भी और इन्फॉर्मेशन आता है, जैसे ही और भी नोटिस आते हैं, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेनली मेरा ये वीडियो बनाने का यही मकसद था, स्टेनोग्राफर्स के लिए, जो लोग शॉर्ट हैंड की तैयारी कर रहे हैं, जो उनके लिए मेरा ये वीडियो खास तौर पे था कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आप चैनल से डिक्टेशन लिखें और प्रैक्टिस करें डेली, अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। तो जैसे ही और कोई अपडेट आता है, मैं आपको अपडेट कर दूंगा एक नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और बने रहें हमारे इस चैनल पे डेली डिक्टेशंस के लिए। सब्सक्राइब द चैनल फॉर रेगुलर शॉर्ट हैंड एंड स्टेनोग्राफी वीडियोस।